ब्रह्मस्य ज्ञानं तत्त्वोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे मञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो नमो महामदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय कांत
राष्ट्रभाव में शांत की शांत भाव में निष्ठा है। राष्ट्रभाव में सेवा है, सत्य में असंकोच है और वात्सल्य रस में ममता अधिक्य के कारण कृष्ण में पाल लेते हैं और अपने में पालक हैं। यहां तक तो है इन लोगों में, किंतु इसमें एक और है अधिक निजानंद दिया करे न सेवा, अपने समस्त इंद्रियों से कृष्ण की सेवा। ये और किसी में नहीं है, ये केवल प्रजन का नाम नहीं प्रया जी मान कर करे भक्त होते हरे से ही मोर मन। अभी देखा विचार करके राष्ट्र प्रेम में शांत तो ब्रज में है नहीं, अस्थाविक है। राष्ट्र लोग एक परम देवता है, कृष्ण ऊपर है, ये लोग इस प्रेम के अधीन नहीं। यहाँ पर बराबर भाव है, वहां पर कुछ बची कथाओं के प्रेम ममता अधिक होते वात्सल्य में कृष्ण को बहुत नीचे ले गए, लाल जब पाल जब और अपने को गुरु क्या और मधुर रस में आया क्या कांता कांता भाव में आया सारे भावों को लेकर के जितने सब अभी तक बताए गए सभी भावों को लेकर उसमें सभी भाव और अधिकांश रूप में कृष्ण की प्रीति के लिए अपनी अंगिक सेवा भी प्रदान करती है जो दूसरों के लिए संभव कर रही है। इसलिए प्रिया जी मान कर पड़े भक्त एक स्तुति होते हरे से ही हरे यदि प्रियाएं मानकर हमारा प्रसन्न करती है एक स्तुति ब्रह्मा की उसे भी प्रसन्न नहीं होगा, उसे भी अधिक परिपूर्ण कृष्ण प्राप्ति एक प्रेम के इसी प्रेम से कृष्ण की प्राप्ति होती है संपूर्ण रूप से और वर्षों में पूर्ण रूप से कृष्ण की प्राप्ति है इसी प्रेम में। इसीलिए कृष्ण भोगियों ने कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से कहा है नपाल में हम निरवस से मां भजन दूसर प्रेह श्रृंखला समृष्ट हे गोपियों मैंने प्रतिज्ञा की है जो जैसा तुम्हारा भजन करता है उसके अनुरूप उसको फल देता हूं, किंतु आका बोले खराब जाए मेरे मन में गौरव है और ना तो कल तो और तो मुख्य के लिए जो नहीं है न पारे हम निर्वज्ञ सत्य हमने प्रतिज्ञा की जो जैसा हमारा भजन करता है उसका उसी के अनुरूप में प्रतिदान देता हूं, किंतु न पारे हम
सबको तो मैं प्रतिदान देता हूँ, तो एक रुपये क्यों? यदि मैं कहूं कुछ मान लो तो तुम लोग यही मान लीजिए अपनी सेवा प्रदान की, अपनी सेवा से मैं और यही बन जाऊंगा। और दूसरी बात एक और है, वो क्या है, रुपया कहे क्षेत्र से जैसे हम लोगों ने अपने पति को लोक धर्म को देश धर्म को आर्य पद को गुरुजनों के आदर को सब पर ठुकरा कर त्याग कर हम जैसे एकांश रूप में आपके शरण आगत हुए, तो भी ऐसा हम लोग के शरण। राधा जी ऐसे कहे, चंद्रावली ऐसे कहे, खतरा ऐसे कहे, सभी कितनी गोपियां हैं, कोटि कोटि सभी गोपियां ऐसा कहे, तो फिर से किसी को कर सकते हैं? इसलिए ये संभव है, एकनिष्ठ हम लोग हो नहीं सकते, मैं नहीं हो सकता। तुम जैसे एकनिष्ठ हमारे प्रति हो, मैं किसको छोड़ने से, ये मेरे लिए संभव नहीं, किसी को नहीं छोड़ना, न मैया को न बाप को न कहीं भी आधुनिक भक्त भी उनको मैं नहीं, क्योंकि मेरी प्रति क्या है, इसलिए तुम्हारे अनुरूप मैं भजन नहीं करूँ। तुम अपने साधु गुणों से ही हमें उसे ऋण से मुक्त कर सकते, अन्यथा नहीं सबको गरीबी है। वो क्या ने कहा है, ओ आप भी स्वीकार कर, यही तो ऋण से आप मुक्त हो गए। कृष्ण कहते इसके द्वारा तो तुमने और भी उसको पराजित कर, अब तुम्हारा ये मैं पता हो गया। ये उनकी महिमा है, यही वज्रमणियों की महिमा है, उनकी अंतिम सीमा है। इसके साथ साथ निर्धार और वो श्लोक क्या है, मन मन आसाम आदि भूत सौरी स्मयमान साक्षात मन मत मन मत। कृष्ण साक्षात मन मत कब होते हैं, जब गोपियों के समाज में रहे, वो भी चीज नीचा कर, कुछ मुस्कुराते हुए कुछ लज्जित होकर, और उनके सामने पीतांबर से गले में आबद्ध करके, मानो त्रिनापति से नीच होकर के उनके सामने आए। उस समय वो मनमत मनमत, गोपियों के समाज में ही कृष्ण मनमत हो सकते हैं, और किसी के सखाओं के समाज में तो मनमत हो नहीं सकते। इसलिए ये गोपियों की और भी महिमा है, इसके लिए दो श्लोक उन्होंने श्रीमद् भागवत से उसको मैं उसकी मैं व्याख्या ट्रांसलेट Yesterday, we heard from the Lord's Nath of Shiva Gurudev.
how Radha Madhava had suggested to Sri Chaitanya Mahaprabhu that Vatsalya Rasa went to a fish. Is Sarva Sadhya Sar? Yes, sir. A Guru of So, when Mahaprabhu heard this, he was delighted. And oh, Uttam, this is the best suggestion so far. But Adikeya, can you tell me more, something superior? In reply, Rai Kahe Kanta Bhava Prema Satya Sar. Among objectives of life, no, even among various types of praying sarva satya sar, this kanta bhav is the best, highest objective, the essence. So, what is kanta, kanta bhav? The two things, kant and kanta. Kant means male hero, lover, and kanta is female counterpart, the heroine. So, here, if we examine, we see that in Shanta Bhav, Shanta Rasa, there is Nishtha, attentiveness to Krishna, leaving aside all other things. Then, Superior, Dasya Bhav, there is this Krishna Nishtha, but also Seva, serving tendency. And then, in Sakya Rasa, there are these things plus Asatkoch Bhav. No inhibition, no hesitation. The Shrava, natural mood of service, due to feelings of equality. Then, because of a very great increase in mamata, or possessiveness, in Vatsalya Bhav, parent's mood, you have the conception that Krishna is Palya. That means he is to be maintained and nourished by me. And I am Palak. I am his protector, maintainer, and nourisher. I can chastise him and rebuke him for his own benefit. But now, this next mood is called Kanta Bhav. In this mood, all these qualities are included. Plus one special extra quality. What is that? Mahu told you, Rupa Goswami. Kanta Bhava means Anga Diya Karena Sevan. In Kanta Bhava, the devotee feels that I should serve Krishna with all my senses, with all the limbs of my body. So Krishna, in regard to this mood himself, he says, Priyaya Nivan Karene Kare Vatsan Vedasruti Vati Harisan Vatman. Krishna said that if my beloveds, those are Kanta Bhav, they criticize me, they rebuke me, they blaspheme me with so many harsh words, at that time my ears are delighted. I am very much attracted by this. And even if great demigods are offering prayers of the Vedas, then I cannot listen to their prayers, I forget about them, because my heart is stolen away by the sweet words of abuse of my beloved. So, in Braja, Shantaras, not active, it's covered over by other moods. In Dasyaras, Krishna is considered to be Parada Devata, the supreme object of my worship. He is very great, and I am very tiny and insignificant. In Sakyarasa, there's more mamata, possessiveness. And therefore, Krishna is somewhat controlled. In Shantan Dasya Bhav, he is not controlled. In Sakya mood, there's feelings of equality or even superiority, so Krishna is controlled. In Vatsalya mood, then Krishna is a small, tiny baby, he is very insignificant. And I am his senior, I am his ward. And therefore, Krishna is very much controlled by this Vatsalya mood.
But in Madhurya, Kantabhav, there is a collection of all the elements of the ecstatic emotions of the other moods. And one thinks that for the sake of Krishna's happiness, I can serve him with all the limbs of my body. This mood is completely possible in any of the other rasas. So Krishna is attained and controlled fully by this kind of praying only. Therefore Krishna himself admitted to the gopis of Vrindavan, Na pariyam niravadya samyam swasanam krityam vimudayu shantiva yam mahajam turjaya keha sintala samarishitava pandiyatu sarthura. Means, O gopis, I have made a promise. If someone serves me and loves me, then I reciprocate with them accordingly. But, O gopis, I cannot reciprocate with you. It's not possible for me. Why? We then give two reasons. First, if Krishna will say, what do you want? What do you want from me? Then the gopis will reply, oh, you should give us more service. And then if Krishna will give them more service, then you become more indebted to them. So he can never come out from his position of being indebted to the gopis. So he cannot disappear with them. A second reason, Krishna said, Yamapajan Durjaya Gemasankara. You left your homes, your husbands, your families. You left all Veda Dharma, religious duties. You left Arya paths, the path of all high class of social etiquette. You have had complete disregard for public opinion. But I cannot do all of these things. Your love is Ekanishta. You have left everything just for me. So your love is Ekanishta, one pointing to me. But I cannot be Ekanishta because it is impossible for me to give up any of my devotees. I cannot give up Madhya Shoda, Nanda Maharaj. I cannot give up any of my friends. What to speak of any of Krishna's associates in the spiritual world? Any devotee in this world who is trying to serve him from here, Krishna cannot neglect him either. So, Krishna said, I can never repay you. Therefore, the glories of the gopis, this is Antim Simha. This means it is the ultimate limit of the glory of devotional service. Only by your, please be satisfied with your own pious nature. So, Srila Rayaramananda, he has given some evidence. So Srila Gurudev was explaining one of them. Thasam Adhirabhut Story Snaya Mana Mukambuja Pitam Varagarasha Vi Sakshat Mantanta Mantanta. When Krishna disappeared during Rasa Leela and gopis were weeping in separation, again when he appeared, how did he appear? Snaya Mana Mukambuja. He was smiling very slightly. He was somewhat ashamed and embarrassed. So he was looking down. He had a mood, Trinana Pijunit Bhav, and feeling very insignificant for what he had done. And Pitambara Dharasavi, holding his Pitambara in his humble submissive mood, and decorating with the garland of flowers, how did Krishna look? Sakshat Manamata Manamata. He appeared to be that person who can directly, that Cupid who can directly bewilder the mind and churn the hearts even of Cupid himself. So when Krishna is in the Sakha Samaj, that means in the assembly of cowherd boys, or in any other assembly, he never looks this beautiful. Sakshat Manmata Manmata. But only when he is in Gopi Samaj, the assembly of the gopis, at that time, their presence, their company, increases his beauty, and he assumes this Sakshat Manmata Manmata Roop. And so she, Radhavananda, is given this as an example. Other examples have been given also, and I'm sure the Buddha will explain it. Rajune,
जितनी प्रकार की रवियां हैं दास सप्तम वात्सल्यम उनको दो भागों में विभाग किया जा सकता है। डिवाइडेड एक संबंधानुगत और एक कामानुगत पाचल ये अपने संबंध से पढ़े हुए हैं। इनकी एक मर्यादा है, मर्यादा का उल्लंघन करके ये अधिक कुछ नहीं कर सकते। इनकी सेवा प्रार्थना वहीं तक समाप्त हो जाएगी, इसलिए इनकी सेवा संबंध में की संबंध की अनुगामिनी है। मतलब क्या, यशोदा मैया का वात्सल्य रस तो वो पुत्र और माँ दोनों के संबंध में बधी हुई है, वो अपने अंगों से सेवा नहीं कर सकती है, वो क्यों जैसी सब सेवाएं नहीं कर सकती। जब यही नहीं कर सकती तो नंद बाबा और सिद्धाम आदि सफा लोग या तीसरा पत्रक दास लोग क्या सेवा करेंगे। इसलिए संबंध में संबंध की मर्यादा से वो बधे हुए हैं, उनकी सेवा वासना अपने अपने रति के मर्यादा के अनुसार ही में सीमित रहती है। किंतु कांता जो रति है ये किसी से बंधी हुई नहीं है, कृष्ण से कोई संबंध तो है गोपियों का, एक है संबंध, किंतु वो संबंध की प्रधानता नहीं है, उनकी सेवा वासना की प्रधानता है। ऐसी सेवा जिससे कृष्ण की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो सके, नहीं पूरा कर सकते और गोपियों में जो उनकी सारी इच्छाओं को ही वो पूर्ण करेंगे। उन्होंने वेद धर्म, गुरु गौरव, आर्य धर्म, अपना सतीत्व, कुल धर्म, ये सब पीढ़ी की भांति उनके इस कांता भाव में बढ़ जाता है, उसकी परवाह नहीं कर। उनकी सेवा, उनकी सेवा संबंध सब कुछ प्रदान हो जाता। मतलब क्या, रुक्मिणी में पृथक भाव से काम हो सकता है, किंतु गोपियों का काम और सेवा में तादात्म्य रहता है। अपने लिए नहीं, रुक्मिणी सत्यभामा का काम अपने लिए हो सकता है और इसीलिए उसके द्वारा वशीभूत कृष्ण नहीं होते, और गोपियों का वह काम भी सेवा वासना के साथ में तदात्म भाव को प्राप्त कर रहा है, एक ही हो जाता है, वो कुछ भी अपने लिए नहीं कर। कृष्ण आत्मेन्द्रिय और गोपियों का काम क्या है, कृष्ण की इंद्रियों को जैसे तैसे वो प्रीति कर। इसलिए निजान दिया गोपियां कृष्ण की सेवा, उनका काम और प्रेम सेवा वृत्ति ये कोई भी पृथक पृथक कुछ भी नहीं है, एक है कृष्ण की सेवा के लिए ही सुखी है। अपने प्रेम अपने काम की कोई गंध ही नहीं उनके और लोगों का कुछ हो सकता है। जो सोदा भैया का
नंद बाबा के प्रति प्रीति है, गोपियों को किसके प्रति प्रीति है? किसी के प्रति प्रीति नहीं है, बस कृष्ण के प्रति के का ये गोपियों की प्रेम सेवा का, जिससे कि कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं संपूर्ण लोग, और इनका दर्शन भी तारण तो नहीं करती है, पुष्पों से कभी तारण कर सकती है, किंतु वेद स्थिति ब्रह्मा स्थिति अधिक प्रधान हो जाती है। पक्षी है सब काम पाठाशर संबंध रिकॉर्ड संबंध रिलैक्स भी मैं गोपी है नो दे आर नॉट काम पाउट मैरिज टू लव predominance
of seva vasana, their service tendency, seva vritti. Their tendency to serve is predominant. And therefore, they fulfill every desire that Krishna has. Whatever desire comes in the heart of Krishna, gopis can fulfill it. But those in Dasa Sakyavatali Mahat, they cannot fulfill every desire that may arise in the heart of Shri Krishna. So, in this Kanta Bhav, which transgresses all types of Vayada, the gopis feel that the importance of Veda Dharma, religious activities, Arya Path, public opinion, all of these things, they are insignificant as a piece of dry straw. Everything is discarded for the sake of Krishna's happiness. So we see that Rukmini, Satyabhama, the queens of Dwarka, they have Kaam. They have this relationship as beloveds of Krishna. But gopis, their Kaam, their attraction to Krishna as his beloveds, and their sevabriti, their prem, are tadatmik. Srila Prabhupada is making a very profound point, very deep point. Their Kaam and their sevabriti are tadatmik. They are completely one with each other. That means that they have no desire to receive any benefits from their relationship with Krishna. There's not even the slightest smell of any kind of self-interest or necessity to be reciprocated with in the love of the gopis. Therefore, Krishna is completely controlled by the love of the gopis because their Kaam and their seva vritti are tadatmik. They are completely one with each other, there is no difference. Whereas Rukmini Satyabhama and the queens of Dwarka, their Kaam is somewhat independent from their severity, and therefore, even though they are very attractive, they cannot control or attract the mind of Krishna. So, Srila Krishna Kaviraj, he explained, Atmendriya Priti Vancha, Kare Bali Kaam, Krishnendriya Priti Icha, Dare Prem Naam. The desire to give happiness to one's own senses is called Kaam. He Kaam means material lust. But Krishnendriya Priti Icha, Dare Prem Naam. The desire simply to satisfy the senses of Krishna is called Prem. But this Prem, it is actually the love of the gopis. The Kaam of the gopis has become celebrated by the name, the Prem of the gopis has become celebrated by the name Kaam. So, the gopis think that somehow or other, by any means, we must give complete happiness to all the senses of Krishna. So then, I ask Srila Gurudev, Rukmini and Satyabhama, they have Kaam for Krishna, so are they in the category of Sambandatmika or Kamatmika? So Srila Gurudev explains that they have a Sambandha, a relationship with Sri Krishna. They are married. And so, because their sevabriti is limited by the Maryada, which is in regard to the married relationship, therefore they can be called Sambandatmika, and only gopis are Kamatmika. So they have a relationship with Krishna. It is based on love, it is not based on marriage, because gopis are not married to Sri Krishna. They are married to others. हमारे साथ भक्ति की दो भागों में की भक्त है। हमारे साथ भक्ति दो भागों में की भक्त है। इसे शिवाय लेते हैं पीछे। कामांडा और सप्तक भाव शास्त्र का। हाँ? या बात? सप्तक भाव शास्त्र। फर्स्ट बात संभोग इच्छा में दैट इज तमाम स्वीकार संभोग इच्छा में ललिता के साथ इत्यादि ये सब है राधा जी की क्या पुस्तकिया है ये लोग हैं संभोग इच्छा में तमाम स्वीकार और रूप मंजरी और जितनी मंजरिया है मेरे तत्त इच्छा भाव भाई
शास्त्री का भाव, दोनों में कुछ पार्थक्य है। जीव की वो संभोग आत्मिका भक्ति में अधिकार नहीं, केवल मात्र तत्त्व इच्छा भाव आत्मिका में अधिकार, और जीवों के लिए ये सर्वोत्तम, यही महाप्रभु के अधिकार। It means this Karmatmika Bhakti, which is composed of the desire to relish the sweetness of the moods of one heroine who is situated in Sambhog Ichamayi. For example, the Mandiris, Rupmandiri and others, they want to relish the sweetness of Radhika's Mukhmanchi Nitri Krishna. So the living entity, the Jiva, he has adhikara for this. Not for the Sambhog Ichamayi, in which the heroines are Swatantra, they're independent. Dhanama, we should come and do any kirtan, do a kirtan. That I die. Come here. कांता भाव के लिए दोष को उतारने के लिए पहला श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद 47 अध्याय नायक योग को नितान करते प्रसाद सर्जोपिता नवीन बंध रुचा कुतो तवे अस्य कुज दंड गृहीत अंत लब्धासी चंद्र मुदा नायम सियो अनुतांत वृंदावन में रात्रोत्सव में कृष्ण ने गोपियों के राज के समय में अपने हाथों से उनके गले में हाथ डाल दिया। ये गोपियां कहीं चली ना थी, शर्म इस डर से स्वयं लोगों के गले में हाथ डाल था। एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण बन कर नित्य का आस्वादन। ऐसा सद्योषितान नवीन ग्रंथ रुचा तो अंधा नायन स्त्रियों अपने बाहन पर विराजित लक्ष्मी जी के लिए यह संभव पर नहीं हुआ। ऐसा प्रसाद दे दिया तो चरण सेवा में ही कर उनके गले में हाथ डालकर नृत्य किया हो और कहीं तुम चली न जाओ तो मैं कैसे प्राण धारण करूंगा, ये भावना नहीं है। किंतु गोपियों के लिए कृष्ण
ब्रजरमणियों के लिए इतनी कृपा है कि अपने हाथों से गले में डालकर नलिन बंधक जब लक्ष्मी जी की ऐसी लक्ष्मी के प्रति ही ऐसी नहीं जली कृपा है तो स्वर्ग में आने वाली जो पावन देव इत्यादि की जो शक्तियां हैं नलिन गंधा या पद्म गंधा उनके शरीर से पद्म की गंध कमल की गंध आती है उन लोगों की तो बात ही क्या और सब संसार की और स्त्रियों की तो बात ही क्या। इसलिए कृष्ण गोपियों के ऊपर में भजन मणियों के ऊपर में उनकी विशेष कृपा है ऐसा कहीं नहीं दिखाया जाता। तासाम आदिभूत सौर्य इसका हमने वर्णन किया है। तासाम आदिभूत सौर्य अबकी बार आसाम आदिभूत सौर्य जब कृष्ण ने पूर्णिमा के दिन बंसी बजाई और सब गोपियां अलक्षित रूप में उनके पास में उपस्थित हो गई और कृष्ण ने कठोरी करते हुए उन्हें घर लौट जाने के लिए कहा पतियों की सेवा के लिए कहा तो वो उसका उत्तर दिया पहले गुरु की सेवा था और इसके बाद में पति की सेवा और कृष्ण इसका उत्तर न दे सके रहा था। उसमें प्रत्येक गोपियों के साथ में कृष्ण नित्य करने लगे राधा जी के साथ भी राधा जी को मान हो गया और उनको अपना सौभाग्य कामत सौभाग्य कामत माने वो देख रही कि कृष्ण हमारे साथ ही नित्य कर रहे हैं और किसी को नहीं इसलिए उनको मन हो गया अभिमान हो गया और राधिका को देखा कि उनके साथ भी हमारे साथ भी इसलिए उनको मान हो गया इसलिए राधिका जी का मान साधन करने के लिए और उनका मान उनका सौभाग्य भद्र चूर्ण करने के लिए कृष्ण राष्ट्र कर तब गोपियां जमुना कुली में आकर के विलाप करने लगे वो भी सुस्पष्ट से विलाप करते तो उस समय में कृष्ण उनके विलाप को साधा चरण नहीं सके उसी भूमि में वो प्रकट हो गए। कैसे तासाम माधुरी भूत सौरी सौरी मैंने बसते सूर के बंसर ज्यादा लोग बड़े बड़े कठोर स्वभाव के होते हैं ये कठोर क्यों कहा रात में इनके इनको सब कुछ छोड़ करके इनके लिए आए और उनको छोड़ करके लिए अंतर ध्यान हो गए इसलिए वो कठोर है इसलिए वो समझ रहे कि हमको ये कठोर समझती होंगी इसलिए थोड़े से लज्जित हुए गले में अभी तांबा को डाले हुए जैसे रातों तले दृढ़ ध्यान करते हैं वैसे ध्यान करते हुए पीतांबर का सर्व साक्षात मन साक्षात मन 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 ये किस लिए श्लोक इसका ये तात्पर्य है गोपियों का अपनी पता ही ऐसा मनमत स्वरूप इसलिए गोपियों की बजरंगियों की रति में प्रेम में सबसे सब और भी एक श्लोक किया है गथोत्तरम असौ स्वाद विशेष उल्लासमय भी रति वासनाया सात विभाग से पापी पड़ी उल्लासमय रति उद्योग की उल्लासमय रति उत्तरोत्तर स्वाद विशेष उसमें अधिक से और अधिक उसे भी अधिक उसे उसी वो बढ़ती जाती है वो कभी भी दमती वो उनकी सेवा करते जाती है और कृष्ण का साधन बढ़ता जाता है।
करता है और दोनों में बुरा बोली लग जाता है। सभा के बारह प्रसन्नता प्राप्ति करने के अवकृष्ट उतने ही प्रसन्न होते दोनों बढ़ते जाते। एक फल विशेष है वासना क्रम है परम आस्वादन विशेष हो या मधुर रस रूप है ये वही उल्लास है ये मधुर रस कृष्णदास का प्रयास करते हैं। अतय मधुर रस को ही तारना स्वकीय पारकिया रूपे विविध संस्थान पारकीय भावे अति रसेर उल्लास ब्रज बिना न करना ही बात ब्रज मधु भले एक भाव दिलवधि तार पर देराधा भाव अवधि रौन निर्मल भाव प्रेम पर शेर माधुर जस अतः श्री भाव की बात होगी सारे नदी से इसलिए उल्लास में रति गोपियों की है गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति सर्वोत्तम यही रामानंद जी और भी नवारायण निरवाद संध्या का है इसका हम कल और विशेष व्याख्या करेंगे। आज यही सब हम लोगों का प्रवचन समाप्त हो गया है। कल का प्रोग्राम क्या है सिर्फ हमारा नहीं है कल तो विश्राम में पर रहेगा हरी कथा हो पर महाराज जी क्या हरी कथा करके रसानंद प्रेमानंद में दोनों आनंद है दोनों साइयों की मुक्ति लाभ की हरे कृष्ण some devotee has requested for initiation. So tomorrow is initiation about 9:30 a.m. So devotee who desires to come, they will go only there, not all other devotees. Because when we host him, the liquid outside is too many people are coming. And today, one devotee when he entered and dog was barking, still he entered the bathroom to the dog catch him. But fortunately, he got it from dog bite. So they are requesting all who is most essential they will come, not to so many people. So I'm requesting you all, who will take initiation they will come, not to all others over there. And tomorrow, after tomorrow will be fire sacrifice, advice about Tirtha Maharaj. Hare Krishna, one more thing, that today one devotee got injured in dealing with the Parkinson. So nowadays, the instrument is dangerous and it is especially the young youth. A teenager, they must be careful to take Parkinson. No need to show that how great you are to the ocean. He's giving evidence from Shastra to illustrate the superiority of Madhura Rasa. First verse is from 10th Canto Srimad Bhagavatam, chapter 46, spoken by Sri Uddhava after he became a witness of stories of Gopi's praying. He said, Nayam Sri Anga Unayanta Vete Prasada Swayoshitanga Ganta Kutanya Rasotavasa Gujananta Ganita Kanta Radasi Shami Udigat Praya Sundarinam. In this verse, he said, at the time of the Ras Utsav, the festival of Ras, Sri Krishna, he kept his arms around the necks of the gopis of Vrindavan. Specifically, there were millions of gopis
And Krishna expanded himself and individually, embracing them around their necks, he danced with them. So, Uddhavji is saying, this type of mercy was not given to others. It's not possible for them. For example, Lakshmi Devi, she serves the lotus feet of Sri Narayan. Paramananda Das put his arms around her neck and danced with her. This is not possible. So if such mercy was never even given to Lakshmi Devi, they want to speak of other heroines, such as the ladies of the heavenly planets, who are so beautiful that their natural body fragrance resembles the fragrance of lotus flowers. Therefore, Krishna has given a special mercy only to the gopis. Then, Vagananda gave another verse, Tasa Bhagavad Shuri Svaya Maya Mukhamudya Pitam Bharadhara Sragi Sashat Manmat Manmata. Shri Guru had explained this verse early in the lecture, but we'll get more explanation now. On the full moon night in the Sharad season, Krishna went to Vapsivat and played upon his flutes. And at that time, giving up the service of their husbands, the gopis left everything and ran to meet with Krishna. Unknown to each other, Alakshit Rup means, they thought that they were going alone and others were not going. And they were not seen by anyone else. But when they arrived there, there were so many of them. When they arrived, then Krishna told them, you should return to your homes and serve your husbands. And in this way, there were many cunning words spoken by Sri Krishna and more cunning words spoken by the gopis who cut all these arguments. They said, oh, you are giving us very good instructions, so you must be our guru. And according to Shastra, one should serve guru first and serve husband afterwards. So we'll stay here. Then Krishna was laughing, he was very happy, and Rasleela began. But when Rasleela began, after some time, Krishna disappeared. Shrivedra Swami Pad gives two reasons. One reason was to subdue the man, and the other reason was to subdue Sobhagya Man. Man means soul food, and Sobhagya Man means the pride that comes in one's being absorbed or intoxicated by one's own good fortune. So specifically, each gopi's words of Krishna's only dancing with me, so that they can be intoxicated by their own good fortune. So in order to subdue this, Krishna disappeared from Rasa. And Radhika, seeing that she was being treated equally with other gopis of Vrindavan, Asoki would take man. And she left Rasa. So Krishna disappeared in order to pacify her mind. So finally, Krishna disappeared completely from all gopis, and they assembled on the bank of Jamuna, and they were lamenting in a very pathetic mood. When Krishna saw the heights of their separation, he again appeared in their assembly. And that moment has been described by this verse spoken by Shukadeva Goswami. Tasam Avirbut Shori. Just then, among those gopis, Krishna appeared. Here Shukadeva Goswami, out of sympathy for the gopis, is calling Krishna by the name Shori. Shori means who appeared in the dynasty of Surasen. So Surasen is in a Kshatriya dynasty. So why did Shukadeva Goswami say that Krishna is related with the Kshatriyas? Because the warrior caste, they're not soft like the goat caste. They can be very harsh and cruel. So out of sympathy for the gopis, Shukadeva Goswami was thinking, Krishna had been so cruel to leave them. They had sent everything for him and then he left them. So this is great cruelty. So out of sympathy, Shukadeva Goswami said, Tasam Agir Bhut Shori. Oh, how could Krishna be so cruel as to leave the gopis? And now he's reappeared before them, holding his Pitambara with a garland of flowers in a very, very humble mood and slightly smiling. At that time, he has Sakshat Manmat Manmata Rup. The Cupid of Cupids, who turns the hearts and minds of everyone, that is Kamadev. This form is so attractive, Krishna can turn the mind of
millions of Brahmins. So this form of Krishna, this unparalleled, unprecedented beauty of Krishna is only displayed in the assembly group, is no one else. So their rank is the highest. Then she right out of the other verse, which later was included by Sri Rupa Goswami in Bhaktira Sabita Sindhu. Yathotranaso Sadri Visheshulas Mayapi. It means that even though there is happiness in all the types of rati, the same type of happiness is not present in every rati. Yathotranaso Sadri. There is more joy, more happiness in each type of rati, successively one above the other. Sakyadasa. Madhurya is highest. So this Madhurya Rasa is called Ulasmai, Ulasamai, because it gives the most happiness to Krishna. And when Krishna is most happy, then the devotee, they feel the most happiness. And therefore, this Ulasmai Rati, or Madhurya Rasa, the gopis of Vrindavan, this is superior to all. All the people who were